गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूँ किरण ढिल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिज़िक्स इन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बारा। और आज का हमारा जो ई लेक्चर है वो है अबाउट एसोसिएट टेंसर। तो इसका इंट्रोडक्शन हमने कल कर लिया था अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर। एसोसिएट टेंसर का मतलब है कि अगर हम किसी कॉन्ट्रावेरियंट टेंसर को किसी मेट्रिक टेंसर के साथ आंतर गुणनफल यानी कि एक्सटर्नल मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उससे प्राप्त होने वाला जो टेंसर है उसे हम एसोसिएट टेंसर या सहप्रदिश कहते हैं। जैसे कि इसको शो करने का तरीका है, एम्यू जो है, सॉरी जैसे एम्यू है उसको मैट्रिक टेंसर जी म्यू न्यू के साथ गुणा करते हैं, तो म्यू से म्यू गया तो ए न्यू, तो इसे हम एसोसिएट टेंसर कहते हैं। इसी प्रकार से ए आई का मैट्रिक टेंसर जी आई जे के साथ अंतर गुणनफल से ए आई का सहप्रदिश ए जे प्राप्त होता है। यानी कि जैसे ये है ए आई, इसका जी आई जे कोवेरियंट का गुणा करेंगे ना मैट्रिक टेंसर के व्युत्क्रम के साथ तो हमें ए जे मिल जाएगा कॉन्ट्रावेरियंट, तो इसे हम एसोसिएट टेंसर कहते हैं। इस प्रकार प्रदिशों का जी म्यू न्यू तथा जी आई जे के साथ अंतर गुणनफल प्रदिशों के सूचकांकों को क्रमशः गिराने या उठाने का काम करता है। इसलिए हमें मतलब इसका जो मेन काम है जो मैट्रिक टेंसर है उसका लोअरिंग एंड रेजिंग द टेंसर इंडिसेस। ओके, तो इसका एक एग्जांपल भी दिखा रहे हैं, जैसे इसने कहा कि गिराने और उठाने का, जैसे जी म्यू न्यू है इसका गुणा किया ए म्यू के साथ तो क्या मिला ए न्यू। तो पहले इसका जो इंडिसेस था वो ऊपर था फिर नीचे है, यानी कि इंडिसेस को गिराने का काम किया। ओके, और जिसे उठाने का काम करता है मतलब जैसे जी आई है और ये जी आई जी है तो आई से आई गया ए जे तो उठा दिया इंडिसेस, ऊपर वाला इंडिसेस मिल गया। इस तरीके से ये एग्जांपल दिया गया है, जैसे हम लिख रहे थे ना ए न्यू जी म्यू न्यू और बाद में क्या लिख रहे थे एम्यू, तो उनका रूपांतरण समीकरण है ये जो ऊपर लिख रखा था ना आपने एक्सप्रेशन, इसका रूपांतरण समीकरण है ये। तो एन्यू और ये है मैट्रिक टेंसर जी म्यू न्यू, जी म्यू न्यू को लिख दिया जी आई जे और म्यू न्यू जी म्यू न्यू बराबर हो गया डेल एक्स म्यू डेल एक्स न्यू और इधर हो गया डेल एक्स आई डेल एक्स जे और जी आई जे। ओके, इसी तरीके से ए म्यू को लिख दिया डेल एक्स म्यू डेल एक्स बार के ए बार के। अब यहाँ पे देखिए कि इस टर्म के अंदर डेल एक्स म्यू है नीचे और इसमें ऊपर, तो म्यू से म्यू गया डेल एक्स बार आई और ओवर डेल एक्स बार के बन गया, जिसको हम लिख सकते हैं ये वाला, जिसको हम लिख सकते हैं डेल आई के डेल आई के। ओके, बाद में इधर क्या बच गया डेल एक्स बार जे बटे डेल एक्स न्यू और ये है जी आई जे और ए बार के, बाकी चीज़ें सेम टू सेम है, बस ये दोनों टर्म जो हैं इनसे म्यू जो है वो रिमूव हो गया और बाकी जो बचा उसको डेल आई के लिख सकते हैं ये वाला। ठीक है, डेल आई के क्या होता है जब आई और के वन हो सॉरी आई और के बराबर होते हैं तो इसका मान क्या हो जाता है वन हो जाता है, तो आई और के को बराबर करने पर इसका मान वन हो जाएगा तो के बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा आई आ जाएगा और जी आई जे और ए बार आई तो आई से आई गया ए बार जे एंड जो इंडिसेस है वो लोअर हो गई। ठीक है, ए बार जे आ गया, तो ये इक्वेशन कैसी बन रही है, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं ए बार जे इनको इधर ले जाओ तो डेल एक्स न्यू बाई डेल एक्स बार जे ए न्यू, तो एक तरीके से ये रूपांतरण समीकरण है कोवेरियंट टेंसर का एक निर्देश तंत्र से दूसरे निर्देश तंत्र में, तो ये सहचर प्रदिश भी है क्योंकि हमें जैसे ये ए बार जे जो है वो क्या है एसोसिएट टेंसर है ना जी आई जे इंटू ए बार आई से मिला, तो ये एसोसिएट टेंसर का रूपांतरण समीकरण भी है। ओके, तो सूचकांकों को उठाने एवं गिराने का प्रक्रम जो है वो उच्चतर कोटि के प्रदिशों में भी पाया जाता है या किया जाता है, मतलब हायर ऑर्डर के इंडिसेस अगर सॉरी हायर ऑर्डर के टेंसर अगर हम लेंगे तो उसमें भी क्या है ये कंडीशन फुलफिल होती है। जैसे इसने कहा जी आई म्यू ए आई जे के गामा,
तो इसमें क्या होगा, आई से आई गया और नीचे क्या है म्यू, तो नीचे यहाँ पे म्यू आ जाएगा, जे के गामा म्यू एसोसिएट टेंसर। इसी तरीके से जैसे जी आई जे के आई आर, तो आई से आई गया जे के आर, ओके। उसके बाद है फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ टेंसर। तो फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ टेंसर में मतलब हम देखेंगे कि टेंसर को किस तरीके से जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे और भाग करेंगे, और किन टेंसर को आपस में जोड़ सकते हैं, किन को घटा सकते हैं, किन को गुणा कर सकते हैं, किन को भाग दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखने वाले हैं टेंसर का जोड़, ओके। ये मैंने लिखा ही नहीं है ऊपर, प्रदेशों का योग, या लिख लेना आप प्रदेशों का योग। तो योग किन का कर सकते हैं, दो या दो से अधिक समान कोटि एवं प्रारूप के प्रदेशों के समान पादांक एवं मूर्धांक वाले घटकों का योग करने पर उसी कोटि एवं प्रारूप के प्रदेश के घटक प्राप्त होते हैं। यानी कि जिन टेंसर का हम लोग जोड़ कर रहे हैं, वो टेंसर जो हैं उनके जैसे सुपरस्क्रिप्ट है, यदि वो को जिस ऑर्डर के वो को वेरिएंट है या कॉन्ट्रा वेरिएंट है, उसी ऑर्डर का उसमें जुड़ने वाला कॉन्ट्रा वेरिएंट या को वेरिएंट होना चाहिए, और प्रारूप भी समान होना चाहिए। जैसे आई जे है तो ये भी आई जे, जिससे क्या मिला सी आई जे, अनदर कोई टेंसर मिल गया जोड़ने में। लेकिन जैसे ये दो, इसकी कोटि क्या है, दो है आई और जे, तो ए की कोटि दो है, बी की कोटि भी दो है, ठीक है। प्रारूप भी समान है आई और जे, आई और जे, तो ये आपस में जुड़ सकते हैं। इसी तरीके से हायर ऑर्डर में भी करेंगे, ए म्यू न्यू, बी म्यू न्यू, ये कॉन्ट्रा, ये कोवेरिएंट टेंसर है, सहचर प्रदेश है, तो उसमें भी सी म्यू न्यू जैसे हमें मिल गया। और अगर हम मिक्स्ड टेंसर लें, है ना, तो मिक्स्ड के अंदर जैसे हमारे पास है ए आई जे के म्यू न्यू, बी आई जे के म्यू न्यू इज इक्वल टू सी आई जे के म्यू न्यू, ओके। तो ये समान ऑर्डर और समान प्रारूप के हैं, और मिक्स्ड टेंसर है पंचम कोटि का, तो उससे मिक्स्ड टेंसर मिल गया पंचम कोटि का। इनका जोड़ का जो नियम है, इनका जोड़ जो है वो क्रम विनिमय होता है, चाहे पहले आप ए को ले लो, बाद में बी को लो, या पहले बी को लिखो, बाद में ए को लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और एसोसिएट होते हैं ये, साचर्य होता है इनका जोड़, यानी कि ए और बी का ग्रुप में जोड़ करके फिर जो मान आए उसको सी से जोड़ो, चाहे आप बी और सी का ग्रुप में जोड़ करके जो मान आए उसको ए के साथ जोड़ो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सब सेम रहते हैं। फिर है व्यकलन या सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में भी बिल्कुल ऐसे ही होता है कि सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, वही समान प्रारूप एवं समान कोटि के प्रदेशों का घटाव करना है हमें, और इसमें भी बिल्कुल उसी तरीके से कोई अनदर टेंसर हमें मिल जाएगा, सी जैसे ए आई जे माइनस बी आई जे इज इक्वल टू डी आई जे म्यू, मतलब घटाएंगे ना, तो उसी होल्डर और उसी कोटि का मतलब और अनदर टेंसर मिल जाएगा, लेकिन एक जैसे होने चाहिए जिनको हम घटा रहे हैं। जैसे ये आई जे म्यू है तो ये भी आई जे म्यू है, ठीक है, और उससे मिलने वाला भी आई जे म्यू है, मेन हमारा इसी से है। यहाँ क्या लिखा है वो उसकी टेंशन नहीं आवे, ठीक है। उसके बाद है बाहरी गुणनफल। तो दो प्रदेशों का बाहरी गुणनफल जो है वो सामान्य गुणनफल के समान होता है, और तथा परिणामी प्रदेश की कोटि जो है वो दोनों प्रदेशों के कोटियों के योग के बराबर होती है। प्रदेशों का बाहरी गुणनफल क्रम विनिमय एवं साहचर्य होता है, ठीक है। मीन्स कि जिनका हम गुणा कर रहे हैं उनका गुणा जो है वो क्रम विनिमय है, यानी कि ए का बी के साथ, बी का ए के साथ सिमिलर रिजल्ट देगा, और साहचर्य है यानी कि ए बी का गुणा सी के साथ कर लो या ए का गुणा बी सी के साथ कर लो, रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है। यानी कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, अब टेंसर है जो भी, ओके। और दूसरा ए बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी सी,
ये रिज़ल्ट जो है वो सेम रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये कहना चाहता है ये कि जब गुणा करेंगे तो जो इनकी ऑर्डर होगी, जैसे कोई एक टेंसर जिसका हम गुणा कर रहे हैं उसका ऑर्डर और अनदर टेंसर जिसका गुणा किया जा रहा है उसके साथ, दोनों टेंसर का जब गुणा होता है तो जो रिज़ल्ट आएगा उस रिज़ल्ट की कोटि जो होती है वो दोनों टेंसर की कोटि के योग के बराबर होती है। जैसे कि हमारे पास ये है, कोई मिक्स्ड टेंसर है ए आई म्यू, उसका हमने एक कॉन्ट्रा वेरियंट टेंसर है बी के, उसके साथ गुणा करना है, ठीक है। तो जैसे ए आई म्यू का बी के मिक्स कॉन्ट्रा वेरियंट टेंसर के साथ गुणा करेंगे, पहले हम लोग ए आई म्यू का रूपांतरण समीकरण लिख लेते हैं, ठीक है। ए आई म्यू, तो इधर ए जे न्यू को अनदर ले लिया, तो ए जे जे आ गया ए आई, तो ये आई इधर आ गया, ए न्यू तो न्यू आ गया और ए म्यू ये आ गया, ओके। इसी तरीके से एक कॉन्ट्रा वेरियंट टेंसर है बी के, उसका रूपांतरण समीकरण हमने यहाँ लिखा है बी एम बार एक डेल एक्स एम बार और डेल ओवर डेल एक्स के इंटू बी के। अब इन दोनों का आपस में हम गुणा करेंगे इस इक्वेशन का इस इक्वेशन के साथ, ए जे बार ए बार जे न्यू बी बार एम और ये टर्म, फिर उसके बाद ये टर्म। अब देखो इसमें क्या है कि इधर क्या बना ए आई म्यू और बी के, इनके गुणा से मिलेगा हमें सी आई के म्यू, आई के और म्यू ये आ जाना चाहिए, और कुछ भी लिख दो जैसे सी लिख दिया, ठीक है। तो जैसे ये इसकी तो ऑर्डर है टू, आई और म्यू इसका ऑर्डर है सिंगल, ये वन कोटि का प्रदिश है, लेकिन ये क्या है तीन कोटि का प्रदिश है, दो और एक तीन, तीन विंडिसेज है ना, तो ये तीसरी कोटि का प्रदिश है, यानी कि जब हम बाहरी गुणनफल करेंगे तो उससे प्राप्त जो परिणाम है वो उन दोनों की कोटियों के योग के बराबर होता है। अब जैसे सी आई के म्यू है, उसके लिए रूपांतरण समीकरण लिखेंगे, तो आई के जे एम और म्यू है तो डेल एक्स म्यू और डेल एक्स न्यू आ गया, ठीक है। तो इधर ये जैसे सी बार जे न्यू लिखा, ये जैसे ए बार जे न्यू बी बार एम के बराबर है, और इधर ये किसके बराबर है, जैसे ये यहाँ पे ये जो रूपांतरण इसका आया है ये बिल्कुल किसके बराबर है, सिमिलर है, इसके सिमिलर है, तो इसके सिमिलर है, तो ये जो है वो इसके बराबर है, और इधर लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म है जैसे ये इसके बराबर है, यानी एक तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन ही है। और हमें इसी तरीके के वेरिएबल चूज़ करने हैं, जैसे इस तरफ जो है वो जे न्यू एम, तो हमें भी जे बटे ये जैसे कोवेरिएंट में न्यू और कॉन्ट्रा वेरिएंट में जे और एम, हमें भी इसी तरीके के वेरिएबल चूज़ करने हैं। तो बाहरी गुणनफल जो है वो प्रदिश की कोटि में वृद्धि कर देता है, परंतु बाहरी गुणनफल का व्युत्क्रम हमेशा सत्य नहीं होता, अर्थात यह आवश्यक नहीं कि बाहरी गुणनफल से प्रदिश की कोटि कम की जा सकती है, इस तरह से प्रदिशों का विभाजन सदैव संभव नहीं है, इससे प्रदिश की कोटि बढ़ती जरूर है लेकिन कम नहीं हो सकती, ओके। उसके बाद है प्रदिश का संकुचन या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए टेंसर, किसी मिक्स्ड टेंसर में एक प्रतिचर या एक सूचकांक को समान कर देने पर परिणामी प्रदिश की कोटि दो कम हो जाएगी और इसे प्रदिश का संकुचन कहते हैं, यानी कि ये कहना चाहता है कि अगर हमारे पास एक मिक्स्ड टेंसर है ए आई जे के और म्यू न्यू, ये क्या है पांच कोटि का मिक्स्ड टेंसर है, अगर हम इसमें एक कॉन्ट्रा वेरियंट और एक को वेरियंट समान कर दें, जैसे के और न्यू को हमने समान कर दिया, तो के बराबर न्यू हो जाने से इसको क्या लिखेंगे ए आई जे म्यू, ओके, ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि यहाँ तो ये पांच कोटि का था बट के और न्यू बराबर होने से ये तीन कोटि का हो गया, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए टेंसर, एक प्रदिश का संकुचन, ओके। तो जैसे इसने ये एग्जाम्पल दिया आई जे के म्यू न्यू म्यू के, जिसमें इसने आई और सॉरी के और न्यू को बराबर किया है, के और न्यू को बराबर कर देने से ये तीन कोटि का मिक्स्ड टेंसर बन गया। अगर इसका हम रूपांतरण देखना चाहें, इसकी उत्पत्ति देखना चाहें, तो पंचम कोटि के मिक्स्ड टेंसर ए आई जे के म्यू न्यू, तो
ये यहाँ पे है ए आई जे के म्यू न्यू, इधर हम ले लेते हैं एल एम एन, तो एल एम एन और उसके बटे में आई जे के, आई जे के, इधर है रो सिग्मा तो रो सिग्मा, इधर म्यू न्यू तो ये म्यू न्यू। ओके, कॉन्ट्रा वेरियंट के बटे में कॉन्ट्रा वेरियंट वाला, को वेरियंट के बटे में को वेरियंट वाला, और उसमें भी कैसे, उसमें भी इस तरीके से लिखना है, जो टर्म इधर पहले ऊपर है ना उसको पहले ऊपर जमाओ, फिर जो टर्म इधर ऊपर है फिर उसको उसके बट्टे में जमाओ। नीचे वाले में क्या होता है, इधर जो नीचे है इस तरफ, हमें इस तरफ वाले को डोमिनेंट करके चलना है, इधर वाला ऊपर तो इधर वाले इसके ऊपर, इधर वाले के जो नीचे हैं वो भी नीचे, फिर म्यूनियो को ऊपर कर दो। इस तरीके से लिखने का तरीका ये रहता है, याद करने का तरीका। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, के बराबर न्यू रखेंगे, तो ये के है इसके बराबर न्यू रख देंगे। ओके, या न्यू बराबर के रख दो, ये की बात है। जैसे यहाँ पे मैंने न्यू की जगह के रख दिया, अब ये टर्म और ये टर्म जाएगी, डेल एक्स बार एन बटे डेल एक्स बार सिग्मा, ये आ जाएगा डेल एक्स बार एन बटे डेल एक्स बार सिग्मा, जिसको हम लिख सकते हैं डेल बार सिग्मा एन सिग्मा, ये लिख सकते हैं। बाकी तो एज इट इज़ लिखी जाएंगी तीनों, और ए आई जे के म्यू न्यू, म्यू न्यू न्यू और के तो बराबर हुए हैं ना, तो न्यू की जगह के रखा था, तो इसको हम लिख देंगे डेल बार एन सिग्मा, और इसका मान जो है वो एन और सिग्मा बराबर होने पर वन हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका मान वन कर देंगे, जहाँ एन है ये देखो डेल एक्स बार बटे एल बटे आई एम बटे जे म्यू बटे रो, और वो वन हो गया, ये हो गया आई जे के म्यू की, और यह समीकरण जो है वो तृतीय कोटि के बी आई जे म्यू के तुल्य है, क्योंकि इसमें के का तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, यानी कि हम लोग जैसे बी आई जे म्यू की इक्वेशन लिखते हैं ना उसी के समान है ये। ठीक है, और इधर ये जैसे एन सिग्मा है तो यहाँ पे भी आप सिग्मा कर देना, ये भी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे एन और सिग्मा, बी एल एम रो बचेगा, तो डेल एक्स अगर बी एल एम रो के लिए लिखेंगे तो एल एम, और इधर जैसे म्यू है तो म्यू और आई जे और रो, तो इधर ये एन की जगह सिग्मा कर देना, तभी आया था हमारा रिजल्ट। तो ये क्या है, थर्ड ऑर्डर का एक मिक्स्ड टेंसर है। ओके, तो इस तरीके से हम कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं टेंसर के इंडिसेस का। ओके, उसके बाद है इनर प्रोडक्ट या आंतर गुणनफल, किन्हीं दो प्रदेशों के बाहरी गुणनफल के साथ साथ संकुचन की संक्रिया की जाए तो परिणामी प्रदेश दिए गए प्रदेशों का अंतर गुणनफल कहलाता है। यानी कि बाहरी गुणनफल जैसे सिंपल करते हैं, जिसमें टेंसर की कोटि जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है, और उसके बाद में हम लोग क्या करें, उसका साथ साथ में संकुचन कर दें। संकुचन मतलब एक कोवेरियंट और दूसरा कॉन्ट्रा वेरियंट वेरिएबल को या इंडिसेस को समान रख दें, तो जिससे क्या होता है उसकी कोटि कम हो जाती है। तो मतलब ऊपर जो हमने दो प्रोसेस पढ़ी है वो दोनों एक साथ करनी है, तो इसे हम इंटर प्रोडक्ट इनर प्रोडक्ट कहते हैं। बाहरी गुणनफल जैसे इसने कहा ए आई जे के बी म्यू, ए आई जे के म्यू न्यू बी एम एन सिग्मा, यानी कि ये तो पाँच कोटि और इधर दो और तीन आठ कोटि, ये आठ कोटि का हमें मिल गया आई जे के एम एन म्यू न्यू रो। ओके, अब इसका हम संकुचन करते हैं। संकुचन करेंगे तो हम क्या करते हैं, हमने n बराबर न्यू रखा है, ये देखिए ये n है और ये न्यू है, तो n बराबर न्यू रख देने से ये यहाँ से गया, n बराबर न्यू लेने पर तो दो गए, तो ऊपर तो बचे, जैसे ऊपर कितने थे पाँच, ऊपर बच गए चार, नीचे थे तीन, नीचे बच गए दो, तो ये छः कोटि का, पहले आठ था तो ये अब छः कोटि का मिक्स्ड टेंसर बन गया। यानी इनर प्रोडक्ट का मतलब है कि हमें बाहरी गुणनफल करना है सिंपली, जिसमें टेंसर की कोटि बढ़ती है, और उसके बाद हमें क्या करना है, उसका कॉन्ट्रैक्ट कर देना है, उसको संकुचित कर देना है, उसके दो वेरिएबल को समान रख देना है, और इनर प्रोडक्ट जो है वो क्रम विनिमय और साहचर्य के गुणों का पालन करता है। ओके बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे, और अपने नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे, नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, तो इसको अच्छे से स्टडी कर लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना। खुश रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो, धन्यवाद।